आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट देने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको 15 से 25 साल की एज में क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि हमने कभी ना कभी किसी के मुंह से, या वो कोई सीनियर सिटीजन हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके मुंह से एक बात हमेशा सुनी होगी कि काश मैं उस टाइम पे ये कर लेता, काश मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पे ये पता होता, काश मैंने उस एज पे ये किया होता। और जो ये काश शब्द होता है वो बहुत पैन देता है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डिस्ट्रैक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है, डिस्ट्रैक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अब आपके जो भी डिस्ट्रैक्शन है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट होना है। अब किसी का डिस्ट्रैक्शन लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है। अब आपको आपके डिस्ट्रैक्शन को डिफाइन करना है, क्या चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कौन कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें आपकी एनर्जी को कंप्रेस कर रही है, आपकी एनर्जी को डाउन कर रही है, आपको आपके पर्टिकुलर गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। पहले आपको उनको डिफाइन करना पड़ेगा। वो अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल डिजायर्स भी हो सकते हैं, फैंटेसीज हो सकती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, मोबाइल के ऐप्स हो सकते हैं। सो आपको राइट डाउन करनी पड़ेगी सारी चीज़ें कि क्या चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ये सारे थॉट्स आना गलत बात नहीं है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सारी चीज़ें गलत है, लेकिन थॉट्स की भावनाओं में बह जाना गलत है। आप कंट्रोल नहीं कर पाते खुद को और आपका माइंड कंटिन्यू उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। आप कभी अपने टाइम को एनालाइज करो कि आपके पास इतना सारा टाइम है लेकिन वो जाता कहाँ पे, कहाँ कंज्यूम हो जाता है इतना सारा टाइम। बार बार फोन देखना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलना, किसी पर्टिकुलर पर्सन के मैसेज का रिप्लाई का इंतजार करना, पूरी रात फोन पे लगे रहना, इन सभी चीज़ों में हमारा मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो जाता है। फिर हम बोलते हैं कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, ना कि उससे अपनी लाइफ को ख़राब करो। सो सबसे पहले आपको आपके डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि जो 15 to 25 की एज होती है वहाँ पर हमारा ब्रेन डेवलप होता है। जो आप कॉन्टेंट उसको दोगे उसी अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगा, उसी अकॉर्डिंग वो नर्चर होगा, उसी अकॉर्डिंग उसकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। सो आपको आपके ब्रेन को सही इन्वायरमेंट देना है, सही कंटेंट देना है, सही इन्फॉर्मेशन देनी है और सही डायरेक्शन देना है। क्योंकि अगर आपने इस पर्टिकुलर एज में अपने माइंड को स्ट्रांग बना लिया तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। और अगर आपने अभी अपने माइंड के ऊपर वर्क नहीं करा और अपने माइंड को वीक बना लिया तो आप खुद कुछ टाइम बाद बोलोगे काश मैं उस टाइम पे ये कर लेता। तो सबसे मेन चीज, अपने डिस्ट्रैक्शन से आपको डिस्ट्रैक्ट होना है, उनको डिफाइन करना है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को कितना टाइम देना है। इससे ज़्यादा मुझे ये चीज़ को यूज़ करना ही नहीं है क्योंकि कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला है, तो क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, क्लैरिटी ऑफ लाइफ। जस्ट एग्जाम्पल, आप शॉपिंग मॉल गए लेकिन आपके पास कोई भी लिस्ट नहीं है, तो आप कुछ भी सामान ले लोगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी ले लोगे और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था शायद वो आप मिस कर दो। सेम चीज़ अपनी लाइफ के साथ होती है। अगर आपके पास क्लियर गोल है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है तो आप सही डायरेक्शन में वर्क कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है सो आप कहीं भी जाते रहोगे, किसी भी डायरेक्शन में चल जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। अब ये बात भी ठीक है कि एकदम से हमें पता नहीं होता कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। सो खुद को टाइम दो, देखो कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है, किस चीज़ में आप आपका करियर बना सकते हो, क्या आपके गोल हो सकते हैं, और उस डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट करो, उससे रिलेटेड चीज़ें सीखो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो। बहुत बार होता है कि लोग बीटेक कर लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यार मेरा तो शौक एनिमेशन में था, यार मुझे ये करना था। अब यहाँ पे आपका टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेस, ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती है और आप जितना लेट शुरू करोगे उतना आपका नुकसान होगा। सो सबसे मेन चीज़ कि आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ के लिए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और उसी डायरेक्शन में वर्क करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करते रह गए, चीज़ें ट्राई करो, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चीज़ें ट्राई मत करो, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, लेकिन वो आपके फ्यूचर को पुश करें, वो सपोर्ट करें। बहुत सारे लोग होते हैं वो कभी शुरू ही नहीं करते, फिर सोचते कि काश कर लेता। सो ऐसा आपको नहीं करना, आपके पास बहुत टाइम है। खुद को एनालाइज करो, लाइफ के क्लियर गोल बनाओ और उसी डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट करो। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एज है इसमें हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है, जोश होता है, पावर होती है, लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्शन ही नहीं है और क्लैरिटी नहीं है तो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, तो आपको वो मिलेगा जो आपको लाइफ में कभी नहीं चाहिए। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, और जैसे ही आपको आपके लाइफ के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी तो फिर आप सही डायरेक्शन में वर्क कर पाओगे। अब हम चलते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ,
जो कि लर्न टू एक्सेप्ट रिजेक्शन। अब भैया रिजेक्शन हर जगह मिलेंगे, अगर आप जॉब पे जाओगे वहां पे आप रिजेक्ट हो सकते हो, आपने किसी को प्रपोज किया वहां पे आप रिजेक्ट हो सकते हो, लाइफ के हर एक फेज में आपको रिजेक्शन मिलेंगे। कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और ये चीज आपको जल्दी समझनी पड़ेगी कि आपको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने कुछ बायोग्राफीज पढ़ी हो तो आपको पता है कि हर पर्टिकुलर पर्सन जो टॉप पे बैठा है उसने कहीं ना कहीं रिजेक्शन तो फेस किया ही है, और ऐसा नहीं कि आज वो रिजेक्शन फेस नहीं कर रहा है, आज भी वो रिजेक्शन फेस कर रहा है। सो रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये चीज आपको एक्सेप्ट जल्दी करनी चाहिए। और अगर आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, सेल्फ एस्टीम डाउन होगी, आपकी सेल्फ इमेज गलत बन जाएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे रिजेक्शन तो मिलेगा ही, कोई ना कोई पर्सन आपको क्रिटिसाइज करेगा ही, सारे लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सारी चीजें आपको पहले से एक्सेप्ट करके रखनी है। अब हम चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो कि सेव मनी। आपको सेविंग की आदत अभी से डालनी चाहिए। अगर आपको 100 रुपए मिलते हैं तो 10 रुपए सेव कर दो, 1000 मिलते हैं तो 200-100 रुपए सेव कर दो। आपको पहले स्पेंड फिर सेव नहीं करना है, पहले सेव करना है फिर स्पेंड करना है। एक परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितना पर्टिकुलर अमाउंट सेव करना चाहते हो, और अगर आपने सेविंग की आदत अभी से डाल ली तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी पर्टिकुलर अमाउंट आपने सेव करके रखा है उसको आप सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकोगे। आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार बैकअप में इतना पैसा तो पड़ा है ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट करती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इफ यू सेव मनी देन मनी विल सेव यू। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ऑनेस्टी की स्टार्टिंग सबसे पहले खुद से होती है। जब हम खुद से ऑनेस्ट रहते हैं तभी तो हम दूसरों के साथ ऑनेस्ट रह सकते हैं। और ऑनेस्ट रहना ऐसा नहीं कि एक दिन का काम है, आपको रिपीटेटिव नेचर में इस पे काम करना पड़ेगा, और ये एक प्रोसेस है जिस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो तो आपका बिहेवियर में ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस दिखेंगे आपको, और आपको सुकून रहेगा कि यार जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। और ये जो सुकून है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको लगता है कि आपने कुछ पर्टिकुलर चीज अचीव कर ली, कितना पैसा कमा लिया तो आपको सुकून मिलेगा। सर आप अभी गलत हो, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये सोचोगे कि और पैसा कैसे कमाऊं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना गलत बात है, लेकिन हमें खुद के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हो तो आपको एक सुकून मिलता है। शायद आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आप सोचोगे चल ठीक है यार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसा हैंडल कर लूंगा। और जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हो तो आपको खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और उसमें फोड़ दूंगा। और ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया आज जिन पे आपको वर्क करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ और जो भी आपके क्लोज वन है उनके साथ जरूर शेयर करें। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।